हेलो एवरीवन, वेलकम टू मामा बच्चा टॉक्स। क्या आप भी परेशान हैं कि आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है या फिर पढ़ने में मन नहीं लगाता है? तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो आप उसको पढ़ाने का वे चेंज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चा एक ही तरह से आप उसको समझाते जाते हैं या फिर रटवाते जाते हैं, बच्चा वो समझ नहीं पाता है। तो धीरे धीरे जो उसका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो नहीं समझ पाता है। अब आप ही सोचिए कि आप पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े हैं, अगर अचानक से आपको बोल दिया जाए कि रशियन लैंग्वेज सीख दिखाओ, चाइनीज लैंग्वेज सीख दिखाओ, तो आपको भी प्रॉब्लम होती है। आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी बर्थ हुआ है, अभी 2-3 साल का ही हुआ है, वो अभी धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, तो उसको सीखने में टाइम लगेगा। आप उसको टाइम दीजिए, उसके पीछे मत पड़ जाइए कि करो करो करो। बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चों को लगातार बोलने लगते हैं कि तुम तो कितने डफर हो, कितने गधे हो, इतना सा तुमको नहीं आता, इतना सा याद नहीं कर पाते हो। पर आप ही सोचिए ना, अगर आप इतने बड़े हो चुके हो, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपको भी कोई नया काम दिया जाएगा, नया टॉपिक दिया जाएगा, तो आप भी नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर बच्चा आपसे नहीं सीख पा रहा है एक बार में, तो आप पढ़ाने का तरीका चेंज कर लीजिए। अगर वो डायरेक्ट बोलने से नहीं समझ रहा तो आप लिख के समझाइए, लिख के नहीं समझ रहा तो आप स्टोरी फॉर्म में समझाइए, पिक्चर्स के फॉर्म में समझाइए, पर समझाइए, बच्चा किसी ना किसी वे से सीख जाएगा। सेकंड तरीका, आप कभी भी अपने बच्चे को गधा, डफर, उल्लू ये मत बोलिए, क्योंकि जब आप बार बार बच्चे को ये बोलते हैं ना, तो उसकी जो मेंटेलिटी है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है कि मैं गधा हूँ, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। आगे भी जब आप उसको बोलेंगे तुम पढ़ते ही नहीं हो, तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो लगेगा कि मेरे पेरेंट्स को हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रहती है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो गधा हूँ, मैं डफर हूँ। तो धीरे 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 जो उसका सोचने का लेवल है वो धीरे धीरे लो होता जाएगा और वो अपने आप को बहुत नीचा समझने लगेगा। जब क्लास में बच्चों की रैंक वगैरह रहती है, परफॉर्मेंस रहता है, तो वह तो यही सोचेगा कि मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान है, मैं तो गधा हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, तो क्लास में भी उसका मन नहीं लगेगा। तो आप कभी भी अपने बच्चे को डीमोटिवेट मत करिए। अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो बच्चे को हमेशा मोटिवेट कीजिए कि कोई बात नहीं बेटा, अभी अच्छा नहीं कर रहे हो, हम बहुत मेहनत करेंगे और आगे जाके अच्छा कर लेंगे। बट आप उसके माइंड में कभी ये मत डालिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं कि कभी कभी बोलते हैं कि देखो वो पास वाले को कितना अच्छा पढ़ता है, वो इतनी अच्छी राइटिंग है उसकी। आप अपने बच्चे को इस तरह से मत बोलिए, आप उसको हमेशा बोलिए कि वो अच्छा पढ़ता है, पर तुम कोशिश करो, तुम उससे भी अच्छा पढ़ सकते हो। हमेशा अपने बच्चे को ट्राई करना ही सिखाइए। इस तरह से आप भी अपने बच्चे का जो मोटिवेशन है, जो उसका डीमोटिवेट हो चुका है, तो उसको मोटिवेट कर सकते हैं। जो मोटिवेशनल लेवल है उसका, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। याद रखिए, बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, हम उनको जिस रूप में ढालना चाहेंगे वो उस रूप में ढल जाएंगे। तो आप कभी भी अपने बच्चे को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। और हाँ, जब भी आपके घर पर कोई आता है, कोई गेस्ट आ गया है, आपके नेबर्स आ गए हैं, तो उनके सामने तो आप कभी भी अपने बच्चे को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि जो बच्चे की मेंटेलिटी होती है, अब आप ही मानिए कि आपके हस्बैंड अगर आपको अकेले में कुछ बोलते हैं तो आपको उतना बुरा नहीं लगता, पर अगर आपके हस्बैंड 4 जनों के सामने आपको कुछ बोलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। सेम कंडीशन बच्चे के साथ होती है, आप उसको घर में कुछ भी बोलते रहते हैं, बच्चा उतना माइंड नहीं करता है, बट जब 4 जनों के सामने आप उसको गधा, डफर, उल्लू कुछ भी बोलेंगे, तो उस टाइम पे वो धीरे धीरे जो नकारात्मकता उसके माइंड में डेवलप होती जाती है, तो वो धीरे 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 बढ़ती जाती है और फिर आगे जाके वो आपसे बहुत दूर होता जाता है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे से हमेशा कनेक्ट रहे, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, हमेशा उसकी मन की बात जानने की कोशिश करिए। याद रखिए, आप अपने बच्चे के साथ में अगर टाइम स्पेंड करेंगे, मैं ये नहीं कहती कि पूरा दिन आप उसके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, बट कुछ टाइम, आधा एक घंटा निकालिए कि सिर्फ आप हो, आपका बेटा हो, आप कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि वो आपके मन, अपने मन की बात आपसे शेयर कर सके, आप भी जान सको कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का सबसे अच्छा टाइम होता है नाइट टाइम, जब बच्चा सोने जा रहा होता है, उससे आधे घंटे पहले आप भी बेड में उसके साथ चले जाइए और उसके साथ में खूब सारी बातें कीजिए कि दिन भर उसने क्या किया, उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, फ्रेंड्स कौन है, किस तरह से वो क्या पढ़ रहा है, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ट्रस्ट मी, इससे बच्चा आपसे इतना ज़्यादा कनेक्शन फील करेगा, इतना कनेक्ट हो जाएगा वो, कि
वो अपने मन की बातें बताएगा, क्योंकि आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है हम जाने, होना भी चाहिए क्योंकि आजकल माहौल कितना खराब है। हर पेरेंट्स चाहता है कि हम हमारे बच्चे से कनेक्ट रहें। तो याद रखिए, कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप वीक में एक बार बच्चे को कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, अच्छी महंगी महंगी चीज़ें दिला रहे हैं, मॉल में लेके जा रहे हैं, नहीं। कनेक्ट होने का मतलब है कि आप डेली बेस पे बच्चे के साथ में एक रूटीन बनाइए कि मुझे इस टाइम पे बच्चे के साथ में इतना टाइम स्पेंड करना ही करना है, भले वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, बट सिर्फ आप और आपका बच्चा। तो इससे आपका कनेक्शन बना रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत हेल्पफुल लगेगा। आप भी बच्चों के साथ में कनेक्ट होइए और बच्चे से उसके मन की बात जानिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।